आप देख रहे हैं अपना समाचार। दिल तो बंजारा ही है बेसिकली, जब तक मोहब्बत नहीं होती तब तक बंजारा ही होता है। मोहब्बत होने के बाद फिर और दिल होके बंजारा जो है बेसिकली ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, एक अच्छी फैमिली से, और एक लड़के से प्यार करती है जो बंजारा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा उनको दाना खिला रहा था, और जब अपने घर वालों से कहती है कि मैं बंजारन से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो उसके घर वाले स्ट्रिक्टली लव के खिलाफ है कि लव मैरिज हम नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोगों ने देखा। फाइनली बहुत फोर्स करने के बाद लड़की नहीं मना पाती अपने घर वालों को, तो उसके घर वाले कहते हैं देख फोर्स करेगी तो हम तेरे बॉयफ्रेंड को जान से मार देंगे। दिल होके बंजारा बेसिकली जब ये लड़की सुनती है तो आधी रात के दिन अपने घर से निकलती है और उस लड़के से मिलने जाती है जो बंजारा है, और वहाँ पहुँचती तो अपने बारे में काफ़ी कुछ बताती है अपने घर की चीज़ों को लेके। लेकिन लड़की जब हीरो को कहती है कि देखो मेरे घर वाले तुम्हें मारे, इससे पहले मैं तुम्हें मार देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते तुम्हें कोई मारे, मैं जी सकती हूँ तुम्हारे लिए परंतु तुम्हें कोई छू दे मेरे खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें मार तो रही हूँ लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मेरे घर में लव मैरिज कभी नहीं होगी, और ता 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 तीन गोली मारती है जैसे कि आपने देखा। फिनिश, फ्लैशबैक से वापस आती है और कहानी है कि बेसिकली घूम फिर के 10 साल बाद अब उसकी भांजियों की शादी है, जो लड़कियाँ हीरोइन है प्रेरणा और नम्रता, जो प्रेरणा नम्रता ऋषिका चौधरी जी ने किया है, प्रेरणा पूर्वी जामवाल जी ने किया है, जो मेरी हीरोइन है फर्स्ट सेकेंड। और फिर बुआ पहुँचती है और जैसे कि आपने देखा पूरे खानदान को ख़त्म करती है, ख़त्म कर रही है तो इतने में हीरो की एंट्री होती है जो इन दोनों से प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे लीड हीरो मिस्टर शशिकांत कुमार हैं और सेकंड हीरो हमारे मनीष यादव जी हैं, और इन्होंने उसमें वीरा का और इन्होंने बिन्नू का करेक्टर प्ले किया है। इज अ वेरी नाइस शशि जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली योर गुड एक्टर शशि जी, योर गुड एक्टर मनीष जी। और फाइनली हमारे जो हीरो हैं विलन को ख़त्म करते हैं, इसके बाद एक सॉन्ग चलता है दिल होके बंजारा। मैं बाबा नितिन चौधरी राइटर डायरेक्टर बॉलीवुड में एक ऐसी नई सब्जेक्ट के साथ आया हूँ मीरा फिल्म्स कंपनी की तरफ से, इसकी जो प्रोड्यूसर है सुषमा निषाद है और हमारा खुद का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म है द मीरा म्यूजिक, जिसमें हम रिलीज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा वेब सीरीज एड सीरियल चल रहे हैं, उसी तरह मैंने एक नया ट्रेंड पैदा किया बॉलीवुड में स्टोरी बोर्ड एल्बम का। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ गाना सुनने होंगे, इसके पहले स्टोरी चला नहीं सुनूंगी, अभी मैं पहले स्टोरी दिखाता हूँ सिचुएशन ऑफ सॉन्ग। तो दिल होके बंजारा बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा इश्क पे ही प्यार पे ही पल बनाते हैं, मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता है, बस इतना समझ लीजिए आपको लिया जाएगा जी। प्यार पे आप हमेशा अभी जब थर्ड या फोर्थ इश्कदारी जी पहले भी जी जी पहले से ज्यादा बहुत अच्छा जो आपका ये दिख रहा है जी, क्या है ये बताइए। ये सब समूह की माया चल रही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उन्हीं का बच्चा हूँ, जो भी करता हूँ उनका नाम लेता हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ ना मैं किसी को मानता हूँ, मैं तो बस श्री भोलेनाथ को जानता हूँ। कौन कहता है कि मैं रहूँ, मैं अकेला चलता हूँ, मैं जब भी चलता हूँ मेरे भोलेनाथ अपनी भूतों की टोली मेरे साथ लेकर चलते हैं। जी जी आज ये बॉलीवुड जो है वो धार्मिक फिल्में धार्मिक एल्बम बना रहा है जी, जब से आई नो राम जी का, लेकिन आप जो है जी इस तरीके से इसका पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो सबसे सर एक्चुअली क्या है ना, मोहब्बत खत्म हो चुकी थी सन 2000 के बाद, मेरे ख्याल से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसको देख के लगे कि प्यार क्या होता है। तो मैंने लव पे इसलिए शुरू की क्योंकि अब वो चीज़ें पर्सनल हैं और कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि सर का बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों के पास मेरे पास, लेकिन कभी फुर्सत से बताऊंगा। बेसिकली दिल होके बंजारा पे बात करते हैं। दिल होके बंजारा जो है ये मैंने जब गाना रिकॉर्ड कराया, इसके जो सिंगर हैं संतनु दे सरकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी वही हैं जो किसी कारण नहीं आ पाए, बिजी हैं, और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सुषमा निषाद,
जो उनका कहना एक ही बात है कि भैया आप जो भी इंडस्ट्री में कीजिए बेहतर नहीं बेहतरीन कीजिए, तो मैं बेहतर करने की कोशिश में लगा हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए, हमारे एक्टरों का सपोर्ट चाहिए, हमें मिल रहा है, सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का तो प्यार स्ट्रिक्टली चाहिए दिल होकर बन जा रहा, क्योंकि अभी तो मैं बन जा रहा हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज एक्टर लीड कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने मीडिया भाई को मेरा प्यार से निभा नमस्कार, क्योंकि सबसे जो होता है मुख्य भूमिका हमारे मीडिया के होते हैं, हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे मीडिया हमारे ऑडियंस अगर जो हम बना रहे हैं अपने मीडिया म्यूजिक के बैनर तले, अगर उनको पसंद है तो समझ लो हमको भी पसंद है। और हमारे डायरेक्टर राइटर बाबा नितिन चौधरी जी, और ये तो सब कुछ बता ही दिए हैं, अभी हम क्या बताएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए लीड रोल, आप क्या कहेंगे? देखिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मेरे मीडिया को, आप सभी को दिल से शुक्रिया, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मीरा फिल्म कंपनी को, मीरा द मीरा म्यूज़िक कंपनी को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका मिला। और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सभी गेस्ट आए हुए हैं, हैरी भाई बीएन सर, बीएन सर हैं, और रूपल नादा रहना वशिष्ठा जी, इनका सहयोग रहा है कि आज यहाँ पर आके इन्होंने मेरे सम्मान को बढ़ाया। देखिए इस प्रोजेक्ट के सिलसिले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि दरअसल में इस प्रोजेक्ट को हम लोग करे थे पुष्कर में जी, दिल होके बन जा रहा पूरी स्टोरी आपने देखी, पूरे गाने को आपने देखा, नरेट किया, एक्सप्लेन कर दिया कि हम स्टोरी में क्या है। अभी बड़ा अच्छा सवाल किया था उन्होंने कि आप प्यार पे क्यों बनाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम प्यार पे बनाते हैं या लव पे ही हम गाने लेके चले, हमने कुछ डिफरेंस किया है, लव ज़रूर है मगर कुछ चीज़ों को भी और दिखाया, जैसे हमने मंडप में फांसी का सीन दिखाया जी, वो अलग था। ये आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राइटर डायरेक्टर ने मंडप में फांसी दी है, वरना आज तक सिर्फ शादियाँ हुई हैं, और मैंने एक नया देने के लिए प्रयास किया है। और एल्बम के बाद फिल्म करने की भी तमन्ना है? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग तैयारी कर रखी है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम जल्दी करेंगे। जो आप नितिन चौधरी साहब एल्बम रिलीज कर रहे हैं, ये फिल्म है, फिल्म से कम नहीं है, थैंक यू, सब कुछ कह दिया है। या बिल्कुल, इस बार इन्होंने काफ़ी मेहनत की, हम जब पुष्कर में शूट कर रहे थे 0° सेल्सियस पे शूट कर रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि इतनी ठंडी वहाँ पड़ेगी, बहुत रेत, जब ठंडी पड़ती है तो रेत भी ठंडी हो जाती है, उस टाइम पे नाइट समथिंग हो रहा था, -6 समथिंग था, उस टाइम पे हम बाहर खड़े थे और मेरे होंठ फट गए, ब्लड निकलने लगा अचानक, तो हम भाग के गाड़ी में गए, मेरे और सभी आर्टिस्ट थे ये रेत पे लेटे हुए थे, कांप रहे थे। इन सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत ही मेहनत की इन लोगों ने मेरे लिए, हमारी टीम के लिए और हमारी कंपनी के लिए और हमारे प्रोड्यूसर सुषमा जी के लिए। तो सुषमा जी ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे एक्टरों को, हाँ। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी वहाँ पर, हमें हर चीज़ अवेलेबल थी हमारे एक्टरों के लिए, उनका हर प्रोजेक्ट से बेहतर एक अनुभव रहा इस प्रोजेक्ट में, आप लोग के सामने ही है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें और बेहतर करें, तो हर बार कुछ बेहतर 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 प्रेजेंट करने की मतलब एक तैयारी है, चल रही है। बाकी थैंक यू, लुक पे तो खैर ज़्यादातर मेहनत की राजा दादा, आप हमारे मेकअप इन्होंने मेहनत की, और बाकी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में अपने आप को कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, लुक पे तो बहुत कुछ खास नहीं बता पाऊँगा मैं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस दैट यू आर हेयर फॉर अस, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दिल होके बंजारा ये जो हमारा सॉन्ग है, बेसिकली इट्स ए स्टोरी बोर्ड एल्बम सॉन्ग, तो इसमें स्टोरी जो बोर्ड की गई है वो कहीं ना कहीं सॉन्ग से रिलेट करके ही स्टोरी बोर्ड की गई है। जैसे दिल होके बंजारा, तो एज ए वहाँ पे राजस्थानी जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसको भी दिखाया गया है, जो बंजारन ड्रेस उनका जो रहता था प्रॉपर तैयारी के साथ, और साथ ही साथ प्यार का जो कंसेप्ट है, तो प्यार से ही दुनिया चल रही है, तो प्यार का कंसेप्ट दिखाने का मोटिव ये है कि जो इश्क का जो रास्ता होता है उसमें बहुत सारे मुश्किलें जो आती हैं, फिर भी उन मुश्किलों को पार करके कैसे प्रेमी जो होते हैं अपने अंत तक पहुंचते हैं। तो सर का वही कुछ दिखाना रहा कि किस प्रकार से वो सब चीज़ें होती हैं, और फिर तो वो सब चीज़ें यही एक मोटिव है प्यार को आगे ले, क्योंकि आजकल जैसे
आप द्वंद्वात्मक तरीके से देख रहे हैं किस प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं दुनिया में, कहीं समाज को लेके, कहीं किसी चीज़ को लेके, वाद विवाद, धर्म, धार्मिक मतभेद, तो उन सबके हम कहीं ना कहीं प्यार को भूल गए हैं। तो वो जब हम इस तरह की फिल्में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, इंसानियत आज भी मौजूद है। सो बस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर नितिन सर, माय को एक्टर एंड माय प्रोड्यूसर मनीष जी एंड शशि जी। इन्होंने मुझे मौका दिया और इनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहा, एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। राजस्थान में मैंने पहली बार शूटिंग की, सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे शशि जी ने कहा हम लोग कांप रहे थे रेत पर, बट जब स्क्रीन पे देखा तो सब समझ आ गया और बहुत खुशी हुई। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं पहली बार इस टीम के साथ काम कर रही हूँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, एक परिवार की तरह हमारा माहौल हो गया है जी। बहुत अच्छा लगा। जी आप थैंक यू वेरी मच। एम बस मैं तो देखा, मैं सबकी मेहनत बाकी रंग लाई, बहुत अच्छा शूट किया नितिन जी ने और सभी एक्टर लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया और मेहनत दिख रही है आप सभी लोग और सबने जो मेहनत की है। और सबसे पहले जो स्टोरी बोर्ड मैंने पहली बार देखा, एक सॉन्ग की स्टोरी बोर्ड आई है नितिन, थैंक यू समथिंग न्यू आया, लाइक मतलब 5 मिनट गाना वो खत्म कर, चलो 10 मिनट में पूरा आपको एक साथ में स्टोरी भी चल रही है और उसके साथ जो गाना आने वाला है वो उसके साथ चल रहा है। दैट्स अ वेरी न्यू थिंग्स एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, लव यू। मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और बहुत जल्द हैरी भाई और शशि जी के अपोजिट एक दूसरे को उतार रहा हूँ मैं, एज ए विलन एज ए हीरो, बहुत जल्द। लोगों ने बता दिया। नहीं नहीं सर, प्लीज आप बहुत बढ़िया लगा सर। नितिन का काम मैं देखते आ रहा हूँ, इसमें क्या है कि डायरेक्टर दिखता है अपना काम करते हुए, एक इंटरेस्ट दिखता है, भविष्य बड़ा खूबसूरत लगता है देखकर के आर्टिस्टों का और डायरेक्टर का। थैंक यू सर। हमारी दुआएं, हमने इससे पहले भी देखा था, काफ़ी फर्क पड़ा है जी। तो मैं चाहूँगा कि अगला जो आए वो इससे बेटर हो। नमस्कार, मेरा नाम साजिदा खान है और मैंने एक स्टोरी में एक करेक्टर किया है मदर का, और ये हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी बनी है और सबकी मेहनत रंग लाई है और देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये सॉन्ग है, ये एक शॉर्ट फिल्म लग रही है। और जैसे कि नितिन ने शुरू किया है कि स्टोरी बोर्ड एल्बम सॉन्ग, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन एंड आई वॉन्ट टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू शशि जी एंड माई हीरोइंस एंड ऑल मनीष जी एंड स्पेशली बाबा नितिन चौधरी, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। पंजाब से मैं पूछना चाहेंगे जी, मैम क्या कुछ बोलेंगे? एक तो बहुत अच्छा गेटअप भी था आपका और गाने शुरुआत भी हुई आपके साथ, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। हाय, मेरा नाम आशिका जैन है, मीरा फिल्म कंपनी के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में मैंने लीड किया था बट इस बार मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिला, एक तो बंजारे का लुक, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, समथिंग यूनिक। एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान तो एक राजस्थानी लुक भी था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली स्टोरी तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्या स्टोरी का संदेश आप लोगों को दिया गया है, तो बस यही कि ऐसे हम लोग कंटिन्यू प्रोजेक्ट करते जाए और ऐसे मीरा फिल्म्स कंपनी की ओर से हम आपकी एक नई नई स्टोरी प्रेजेंट करते जाए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आगे बढ़ रहा है तो बहन को ज़्यादा खुशी होती है। मैंने और नितिन जी ने